मैं गलती कर दिया, पोस्ट इसको पता नहीं है कहाँ भाई, बेइज्जती कर दी मैं। देखिए देखिए ऐसे ऐसे आईटीआई के छात्र रहते हैं। देखिए देखिए ये महान बालक कर देखिए, कॉलेज में आकर काफी मसरगस्ती चल रही है यहाँ। हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग आईटीआई कॉलेज आ रहे हैं, आगे हम आपसे अपना कॉलेज दिखाएंगे और हमारे साथ बने रहिए। देखिए दोस्तों, हम लोग मार्केट में एंट्री कर चुके हैं, काफ़ी भीड़ रहता है हमारे मार्केट में लकटियागंज। हमारे मार्केट में कितना भीड़ है जाने में बहुत दिक्कत होती है। हम आपको आज अपने आईटीआई कॉलेज लकटियागंज दिखाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो में। ये देवी स्थान है, यहाँ पूजा करता है लोग। देखिए मार्केट कितना बढ़िया सजा दिया गया है। और मेरे दोस्त को देखिए बाइक हाँकते हुए, काफ़ी स्लो। देखिए बाइक का रफ्तार बढ़ गया है। देखिए दोस्तों, हम अभी ओवरब्रिज पे जाने वाले हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। हाँ, ब्लॉगिंग करते हैं। देखिए हमारे लकटियागंज का सबसे बड़ा यही प्रतिमा है, और इस विशेष बात यह है कि ओवरब्रिज काफ़ी लंबा है, 500 किलोमीटर यार नहीं दोस्तों, 500 किलोमीटर नहीं है। देखिए इधर से व्यू आपको दिखा रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन है, लकटियागंज का रेलवे स्टेशन है, दिख रहा होगा। देखिए शहर में कैमरा लग रहा है, आगे देखिए एक लोगों में यार आगे स्कैन कर। गाड़ी की रफ्तार काफी तेज है, रॉकेट से जैसा नहीं है फिर भी है। देखिए हम लोग ओवर ब्रिज से उतर गए हैं और अपने कॉलेज की तरफ बढ़ते हुए, हमारे साथ आगे वीडियो में रहिएगा। देखिए अर्जिया चौक है, यहाँ पर आपको खाने पीने की व्यवस्था सब मिलेगा, होटल से लेकर टोटल तक सामान मिलेगा यहाँ। आईटीआई कॉलेज के टाइम पर पहुंच चुके हैं। देखिए अभी यहाँ से मुड़ेंगे, ये रास्ता आपको सीधे आईटीआई कॉलेज जाएगा। देखिए जैसे भी हमारे मोटरसाइकिल के आगे आ गया। देखिए रेलवे लाइन है, इधर से ट्रेन गुजरती है, देखिए आईटीआई कॉलेज आपको दिखा होगा। ये रास्ता देखिए आईटीआई कॉलेज का काफ़ी अजीब है, आपको इधर आइएगा तो ला जाइएगा। देखिए आईटीआई कॉलेज का रास्ता है, क्या हुआ लेकर जा रहा है सब। अरे ताकि देखिए आईटीआई कॉलेज के जो रास्ता है काफ़ी ज़्यादा खराब है, और इधर बाइक चलाना बहुत ही मुश्किल है। मेरे दोस्त को देखिए गाड़ी 30 से ऊपर जा ही नहीं रहा है कांटा, और आगे देखिए बच्चों पैदल जा रहे हैं, इधर कोई सवारी नहीं आता है। और इधर चिमनी एक है जो पूरा रास्ता खराब कर दिया है, ट्रेलर जाता आता है। देखिए आगे ट्रेलर लगा, ट्रैफिक जाम है। चलिए इन लोगों से बात किया जाए, कुछ कहाँ जा रहे हैं भाई जी। और इधर धूल बहुत उड़ता है रोड में, और जो पीछे आ रहे थे लोग छात्र पीछे ही छूट गए, बोल रहे हैं लोग धूल बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। आगे देखिए दो लड़के जा रहे हैं, अब गेट पर पहुंचने वाली है। और एक बात आपसे बताना ही भूल गया, हम लोग आईटीआई कॉलेज में एक भी लड़की ही नहीं पढ़ती है, और इधर लड़की लोग को बुरा हाल है। और मेरा दोस्त एक लड़की है इसके क्लास में, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जा रहा है कम झाड़ झुक कर। देखिए देखिए दो बालक जा रहे हैं, इनसे रोड का हालत पूछा जाएगा, कैसा है रोड, और रोड कैसा है थोड़ा बताइएगा वीडियो में आप, रोड का परिचय दीजिए दो शब्दों में। देखिए चिमनी है, ईंटा ज़्यादा कब जाएगा बताता है, ईंटा SBI चिमनी आई अपना ले जाइए, और बार बार मांगिए पैसा दे। आईटीआई कॉलेज का गेट देखिए कितना बढ़िया गेट है, लेकिन रास्ता एकदम खराब है, और इधर आने से पहले आप मास्क लगा कर आइएगा और रास्ता पहन कर। देखिए लग रहा है गेट मैन है, चीज़ बढ़िया है। देखिए दोस्तों हम लोग कॉलेज में आ चुके हैं, कॉलेज बढ़िया है, कॉलेज एकदम बढ़िया है, अंदर का फैसिलिटी एकदम बढ़िया, लेकिन बाहर का फैसिलिटी बहुत खराब है। रोड रोड यहाँ का बिल्कुल सही नहीं है, बाइक से उतर गए। चलिए क्लासरूम आपको दिखाते हैं। देखिए हम लोग अपना फॉर्म लेकर जा रहे हैं सर को जमा कराने के लिए, चलिए हम आपको दिखाते हैं क्लास। ये देखिए कॉलेज का पार्क है, बढ़िया है पार्क। चलिए तो चलिए आगे, चलिए दोस्तों हम लोग क्लासरूम में चलते हैं। ये हमारे सर जी जा रहे हैं, देखिए आगे से, देखिए क्लासरूम है।
एक भी बच्चा नहीं है, देखिए इतनी अनुपस्थिति हो रही है क्लास में, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड एकदम खाली खाली। रूट कैसा था थोड़ा बताइएगा। चलिए दूसरा क्लास दिखाते हैं, हम अपना क्लास दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों मेरा क्लास है, ICTSM का क्लास है। ये मेरा क्लास रूम है, दो ही लड़के आए हैं, देखते हैं ये 18 लड़के रहते हैं इसमें, अनुपस्थिति बहुत हो रही है, क्या किया जाएगा। और आगे आपको बताते हैं, कुछ खिड़की से हम ITI कॉलेज का फील्ड दिखा रहे हैं आपको। देखिए वो रेलवे लाइन है और इधर काम चल रहा है, और मोहित कुमार इनसे कुछ पूछा जाएगा रास्ता कैसा था ITI कॉलेज आने का बताइएगा। एकदम बढ़िया था, सच बोल रहे हैं। किस पर आए हैं आपको, धूल नहीं लगा है? देखिए यहाँ से ये झूठ बोल रहे हैं जी। हम आपको ITI देखिए बाथरूम है, इलेक्ट्रीशियन बोला गया ITI कॉलेज है भला गया। और हम आपको बता दें यहाँ अटेंडेंस बनता है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनने वाला आ गया। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों लैब समाप्त होने जा रहा है, और ये देखिए ड्राइंग कर दिया काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा हटिएगा देख लिया, ड्राइंग दिखा दिया जाए। देखिए अटेंडेंस बनने वाला जो रजिस्टर है इसमें बायोमेट्रिक अंगूठा लगा अटेंडेंस बनेगा। और ये देखिए इलेक्ट्रीशियन का है जो काफ़ी मोटर रखा गया, देखिए उधर बोर्ड वोड लाइट है काफ़ी अच्छा है। और भैया मझौलिया से है, मझौलिया से काफ़ी दूर से आए हैं, मझौलिया से बीतिया से आगे इनका भी घर उधर जाए। चलिए और हेलो दोस्तों, अब हम निकल रहे हैं अपने क्लास से, और फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं। इसी के साथ आज का ITI कॉलेज में समाप्त हुआ, और फिर अगले दिन मैं क्लास फिर आऊँगा, फिर आपको कल वीडियो मिलता हूँ। ये आगे का लुक है, मेन दरवाजा है, देखिए ITI। हेलो दोस्तों, देखिए हम ITI कॉलेज से अब चले जा रहे हैं लोग, कल फिर आएंगे लोग नए ब्लॉग में, देखिए कितना। हेलो दोस्तों, हम लोग ITI कॉलेज से निकल चुके हैं, फिर आपको अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब के लिए आपको बाय और अच्छे से रहिए, और शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके बाय।